हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए अगेन लेके आई हूँ अमेजन ब्यूटी हॉल, जिसमें बहुत अमेजिंग कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ चेकआउट जरूर करना। ऑल्सो मेरा स्टोर फ्रंट लिंक मिलेगा, वहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अमेजन वार्डरोब रिफ्रेश सेल दैट गोज लाइव ऑन 17th of June फॉर प्राइम मेंबर्स एंड स्टार्ट्स ऑन 18th June फॉर नॉन प्राइम मेंबर्स। तो यानी कि आप समझ लो कि 17 जून से स्टार्ट हो रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जिसमें आपको बहुत अच्छे अमेजिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, आप बाय कर सकते हो, आप कुछ भी जो भी पसंद आ रहा है कर सकते हो। सो प्राइम मेंबर्स के लिए 17th of June से स्टार्ट हो रही है और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 18th of June से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने कुछ लिप कलर्स ऐड किए हैं मेरे क्या बोलते हैं मेकअप बॉक्स में, जिसमें एक ही वाला है, ये है इन कलर का लिपफिनिटी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, किस प्रूफ लिपस्टिक एंड कीप मॉइस्चराइजिंग ऑल डे लॉन्ग। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन ट्रांसफर है, लगाए हुए मुझे सिर्फ 1 मिनट जैसा हुआ है और ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। कलर बहुत ही प्रिटी है, लगाने के बाद काफी अच्छा लगता है, बहुत स्मूथली लग जाता है और लगते ही 2 मिनट्स के अंदर ड्राई भी हो जाता है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी तरह का। तो काफी ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है, इसमें आपको ढेरों कलर्स मिल जाएंगे। ये जो कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसका जो नंबर है दैट इज LF22 एंड ये कुछ कुछ रेड और पिंक का मिक्सचर है। वैसे रेड ही है बट थोड़ा सा पिंक इसमें ऐड है, जी हाँ। और ये काफी कंफर्टेबल मैट है, आपको देख के लग रहा होगा ड्राई नहीं कर रहा है लिप्स को, जैसे जनरली मैट लिपस्टिक ड्राई कर देती है, ऐसे ड्राई नहीं कर रहा है, तो ये काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे जैसे लिपस्टिक जो जिन लोगों को अच्छे लगते हैं डार्क शेड्स, वो ये ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छी लिपस्टिक है, आपको काफी सारा प्रोडक्ट मिल जाता है और काफी अफोर्डेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक करना और एक बार लगा लिया 1 मिनट में कुछ ही देर में मतलब सूख जाएगा एंड यू आर डन। सो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि लिपस्टिक के साथ मेन प्रॉब्लम यही होती है, बाहर निकलो वैसे निकलनी स्टार्ट हो जाती है, हम खाना शुरू कर देते हैं, बट ये नहीं निकलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसके बाद में इसी सेम रेंज से मैंने 2 कलर्स और पिक किए हैं। तो एक है LF10, L फॉर लॉयन, F फॉर फॉरेस्ट एंड 1010, और सेम ही है इन कलर का किस प्रूफ लिपस्टिक है और ये समथिंग पिंक शेड में है। तो ये है काफी प्यारा सा फूशिया पिंक शेड और मैं लगा के कैसे लगते हो आप यहाँ देख लो। तो ये भी काफी अच्छा कलर है, क्वालिटी वाइज सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया, काफी कंफर्टेबल मैट है। और इसके बाद में दूसरा एक लिप शेड है जिसका है LF24, अगेन ये रेड कलर है प्यारा सा, ये ब्राइट रेड है, ये रेड पिंक मिक्स है बट दिस इज प्योरली रेड कलर, जिसे क्या बोलते हैं बढ़िया वाला रेड कलर दिस वन। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है और इसको भी आप ट्राई कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। इसके बाद मैंने ली है मेरी हमेशा वाली हीना, मैं अक्सर मेहंदी लगाती हूँ मेरे बालों में और मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, ऑलवेज मैं कलर नहीं करती हूँ, कलर और मेहंदी के बीच में खेलते रहती हूँ मैं। तो ये वाला जो है ये है रिचफील हर्बल हीना, ये मुझे काफी पसंद है और इसका इफेक्ट मेरे बालों पे बहुत अच्छा आता है। देखिए सबको अलग अलग हीना सूट करती है, मुझे नूपुर सूट करती है और ये वाली सूट करती है। तो ये मैं कई बार मंगवा लेती हूँ अमेजन से, बार बार खत्म हो जाती है फिर से मंगवा लेती हूँ। इसके बाद में मैंने एक बहुत ही प्यारी सी चीज ट्राई की है, मुझे मैंने अभी तक ना ये बॉडी योगर्ट किसे कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो जब ट्राई किया तो एक साथ मेरा मन था बॉडी शॉप का लेने का। बॉडी शॉप का परफ्यूम मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बॉडी शॉप का बॉडी वॉश मैं आपके साथ यानी शार्जल शेयर कर चुकी हूँ। दिस टाइम मैंने सोचा चलो इसका बॉडी योगर्ट क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने मंगाया द बॉडी शॉप ब्रिटिश रोज बॉडी योगर्ट और काफी अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश रोज है, ऐसी कुछ पैकिंग में है। तो उसको ओपन करते हैं, तो इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, वाह। बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और इस तरह का कुछ कंसिस्टेंसी है और जब हम इस पर लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है, जो इसका इफेक्ट है, जो ये प्यारा सा एक मॉइस्चराइजेशन देता है और दैट इज अमेजिंग। इस वक्त तो वहां पे सेल भी चल रही है तो आप जो है ट्राई कर सकते हो, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है सच में गाइस, मजा ही आ गया।
बहुत अच्छा है और काफी अच्छा योगर्ट है, मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी, आप इसे ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो ये लैक्मे का मैंने पहले भी मंगवाया है, वो दूसरा वाला फ्लेवर था और ये दूसरा है। ये है लैक्मे का हैंड एंड नेल क्रीम और ये है विद पोमेला एक्सट्रैक्ट फॉर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर, इस तरह की कुछ पैकिंग है और ये भी काफी अच्छा है। और लैक्मे का एक ऑलरेडी मैं यूज कर रही हूँ मेलबेरी वाला, ये मेरी सेकंड परचेज है लैक्मे की, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, आपके सामने मैं इसको ओपन करती हूँ और फिर मैं इसका फ्रेग्रेंस वगैरह आपको बताती हूँ। तो देखिए एंड वाओ, ओ वाओ, वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है गाइस, सुपर। लास्ट हैंड क्रीम है जो मैंने मंगवाई है, निविया हैंड क्रीम एंड इसके अंदर है ग्लिसरीन एंड बीज वैक्स। निविया की मैंने कभी ट्राई नहीं की थी हैंड क्रीम, तो इसकी भी ट्राई कर लेते हैं। चलो दोनों हाथों पे तो लग गई, अब ये मैं आपको रिस्ट पे लगा के दिखा देती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत क्विक एब्जॉर्ब है और बिल्कुल निविया में जैसे बढ़िया वाली सुगंध सी आती है वैसे निविया से ही कुछ रिलेट कर रही है इसकी सुगंध और बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने ट्राई किया है सेटाफिल। सेटाफिल के जो क्रीम्स होते हैं, जो नाइट क्रीम होते हैं, काफ़ी हद तक प्योर होते हैं, इवन डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो ये है सेटाफिल का ब्राइट हेल्दी रेडियंस ब्राइटनिंग कंफर्ट क्रीम, नाइट क्रीम है ये लेकिन ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए है। तो भाई देखो धूप में घूमते हैं, ये है वो है, तो मुझे इससे अच्छी मतलब मैं ब्राइटनिंग क्रीम बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट सेटाफिल है तो इस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ सेटाफिल के प्रोडक्ट पर। तो इसका जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ लाइक जैसे क्रीम्स होती हैं इस तरह से मिल रहा है आपको, एंड रात को लगा के सो जाओ इसका मैंने 2-3 दिन यूज़ किया है, मुझे स्किन पे इफेक्ट तो अच्छा लग रहा है, स्किन काफ़ी ग्लोइंग लग रही है। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आप अच्छा सा स्किन केयर फॉलो करते हैं ना तो ही मेकअप भी खिल के आता है, ये वाला क्रीम आप ट्राई कर सकते हो। एक और चीज़ है जो मैंने ट्राई की है और बहुत खुशी खुशी ट्राई की है क्योंकि मुझे ट्राई करना था, ये है डव का बॉडी लव सिल्की पैम्परिंग बॉडी क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये 24 आवर्स तक का हाइड्रेशन रहता है, सो ये डव का है एंड इसको मैं पूरे बॉडी के लिए लिया है, मतलब नहाने के बाद पूरे बॉडी पे अप्लाई करने के लिए लिया है, तो इस पर ट्राई करने वाली हूँ। मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, आपके सामने मैं ओपन करती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एंड दिस इज क्वाइट वाओ, बहुत अच्छा सा लाइट सा फ्रेग्रेंस है, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। सो दिस इज अ बॉडी क्रीम काइंड ऑफ, जी हाँ पैम्परिंग बॉडी क्रीम है ये, अगर आप रात को लगा के सो जाओगे आप देखो आपकी स्किन कितनी दमकेगी, यू नो नेक से लेके और हमारे पूरे स्किन पूरे बॉडी के स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है गाइस, तो ये आप ले सकते हो। उस टाइम आपके साथ मैंने इसका दूसरा फ्लेवर ट्राई किया था, मतलब शेयर किया था। इस बार मैंने मंगवाया है फॉग का ही विमेन सेंट यानी कि विमेन परफ्यूम, मेक माय डेज फ्लेवर का नाम है और ये फ्लोरल है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो शेयर किया था वो ग्रीन कलर का बॉटल था, दिस इज अ पिंक वन। सो इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था बट ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना इट्स लाइक काफी वाओ अमेजिंग, ये मेरे कहने पे जो भी लेगा वो खुश हो जाएगा। बाकी आप अमेजन पे इसके रिव्यू भी देख सकते हो, काफी अच्छे रिव्यूज हैं इसके। फॉग सेंट मेक माय डे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है, इसका नीचे लिंक रहेगा। इसके बाद में एक मैंने ये नेल प्रिंट रिमूवर लिया है, देखिए मेरा खराब भी हो रहा है, मैं आपके सामने ही करके दिखाती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का है और ये मेरा सेकेंड परचेज है, बस कुछ भी नहीं करना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, दैट्स इट गाइज, एंड आपका नेल प्रिंट जो है वो गायब हो गया। आप चाहे तो मैं ये वाला भी करके दिखा देती हूँ आपको, दैट्स इट एंड इट इज गॉन। सो ये मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब इट्स सो हैंडी, मतलब आप कहीं जा रहे हो ट्रेवल कर रहे हो, अब मुझे ये अच्छा लगता है। मैं सिंपल वाले नेल प्रिंट रिमूवर्स पहले लेती थी, अब मैंने बंद कर दिए, अब मैं नहीं लेती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, उसमें कई सारे फ्लेवर्स भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। इसके बाद में मेरा फेवरेट लिप बाम जो के है प्लम कैंडी मेल्ट्स, और इसको कभी कभी मैं एज अ हाइलाइटर भी यूज करती हूँ और ये बहुत ही प्रिटी बहुत ही प्यारा है। ये मैंने लास्ट टाइम मंगाया था लेकिन मेरा कहीं रख के मैं भूल गई थी, तो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हल्का सा टेंटेड है, हल्का सा ये टेंटेड है,
तो अच्छा लगता है लिप्स पे लगा हुआ, अगर जैसे रात को आप लगा लो या ऐसे भी लगा लो, और कभी कभी मैं इसको एज अ हाइलाइटर यूज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में है एक लिप कलर जो कि इन कलर का है, एक्सपोज्ड सीरीज से एंड बाय इन कलर, और ये लिक्विड है, लॉन्ग लास्टिंग है ये भी, और ये भी अच्छा सा कलर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्यूटी हॉल। और बिल्कुल मत भूलना कि वहां पे चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि प्राइम मेंबर्स के लिए 17th ऑफ जून से लाइव हो रही है, और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 18th ऑफ जून से लाइव हो रही है। सो इस टाइम पे कुछ भी बाय करना है बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी प्रोडक्ट्स के, टू चेकआउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू, बाय।